इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। चलिए आज का चैप्टर है आपका अधिगम। अधिगम के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अधिगम क्या है, सीखना। आपने देखा होगा जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान क्या करता, सीखता ही रहता है, चाहे वो चीज़ कोई भी क्यों ना हो। देखो हम कोई, जैसे हमें तैरना नहीं आता है तो हम क्या कर रहे हैं, तैरने के लिए सीखेंगे। पढ़ाई नहीं आती, पढ़ाई को सीख रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, सीखने के लिए आए हैं कि हमें इंटर क्लास पास करनी है, कि हमें हाई स्कूल पास करना है, कि एट क्लास पास करनी है, कि हमें BBA करना है, कि BCA करना। हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी आप, मुझे स्कूटर नहीं आता, स्कूटर हम क्या करेंगे भाई, पहले साइकिल चलाना सीखेंगे, फिर स्कूटर चलाना सीखेंगे। यानी हम चीज़ को सीख रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, चाहे कंप्यूटर चलाना हो, पेंटिंग करना हो, संगीत हो, कोई भी काम क्यों ना हो, हम काम को क्या करते हैं, सीखते हैं। बिना सीखे हुए हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपको देखो गेट्स ने क्या बताया, ये सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना गेट्स क्या बता रहे हैं, अनुभव। अनुभव क्या हो गया, अब मैंने 10th क्लास कर ली, 10th क्लास तक का हमको क्या हो गया, अनुभव हो गया। प्रशिक्षण क्या हो गया, हम किसी के द्वारा जो ट्रेनिंग लेती हैं, ट्रेनिंग लेकर हमको हमारे अंदर क्या हो गया, हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। हम पहले की तरह शैतानी तो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उस चीज़ की ट्रेनिंग ले चुके हैं और 10th क्लास तक का हमको क्या हो चुका है, अनुभव हो चुका है। अब देखिए गिलफोर्ड क्या बता रहे हैं, सीखना व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सीखना क्या बता रहा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप बता रहे हैं व्यवहार में कोई परिवर्तन है। व्यवहार में कब परिवर्तन आता है, जब तक हमको अनुभव नहीं होगा, हमको किसी की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, जब तक हमको अनुभव नहीं हो पाता। कब अनुभव होता है, जब हमारे व्यवहार में, जब पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब हमारे अंदर स्वतः ही क्या आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अंडरवुड क्या बता रहे हैं जी, सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। सीखना क्या क्या बता रहा है, नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है। अब ये नहीं हम पुराना सीख रहे हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ क्लास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, हम चीज़ को सीख रहे हैं और पुरानी प्रतिक्रियाओं को हटा देते हैं और नई नई प्रतिक्रियाओं को सीखना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाता है, व्यवहार में हमारे अंदर प्रतिक्रिया आती है और कार्य करने की प्रतिक्रिया भी बढ़ती है। कैसे कि क्या, कैसे काम को करना है, कैसे काम को नहीं करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमको क्या सिखाता है, व्यवहार सिखाता है कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है। हिलगार्ड क्या बता रहे हैं, सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीखना क्या बता रहा है, अभ्यास के द्वारा जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के द्वारा हमारा क्या हो सकता है, ये हम आगे बढ़ जाते हैं। तुमने देखा होगा कितने ही बच्चे थर्ड क्लास होते हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करते हैं, एक एक लेसन को, एक एक चैप्टर को क्या करते जाते हैं वो। अगर मैंने एक चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया तो कब तक याद नहीं होगा भाई, हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये याद करते हैं, लिख के देखते हैं, याद करते हैं, लिख के देखते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आता चला जाएगा और हमारे व्यवहार में क्या क्या आ जाएगा, स्वतः ही चेंज आ जाएगा। मन क्या बता रहे हैं जी, सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। यह प्रशिक्षण या निरीक्षण के परिणामस्वरूप क्रिया विशेष में होता है। कैसा होता है सीखना, एक स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण। स्थायी प्रगतिपूर्ण क्या हो गया, हम एक ही जगह बैठे हैं, हैं, तो व्यवहार में क्या आ रहा है, ये अपने आप ही चेंज आ रहा है कि हमें किस तरह से एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में बदलना है। पहले हम 10th में थे, फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर भी कर लिया, अब आगे भी पढ़ाई करेंगे, कोचिंग भी करेंगे, तो क्या चीज़ है, एक ही चीज़ से हमारा क्या हो गया, पढ़ाई करते करते हमारे उस चीज़ में रूपांतरण हो गया। ये प्रशिक्षण या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष में होता है। किस में होता है, प्रशिक्षण क्या हो गया, हमने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली,
ठीक है, या हमारे क्या किसी के निरीक्षण में हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। काम को करते करते क्या हो जाता है, हमको प्रैक्टिस हो जाती है, और उसके कैसे हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में स्वतः ही चेंज आ जाता है कि हम कैसे हो गए, परफेक्ट हो गए। जैसे कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई घर पे भी काम करने वाला, कोई भी क्यों ना हो, जब एक काम को बार बार करेगा तो उसको कैसे हो जाएगी, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी और व्यवहार में कैसा आ जाएगा, स्वतः ही व्यवहार में चेंज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या बता रहे हैं, मर्फी क्या बता रहे हैं जी, सीखना व्यवहार में होने वाला सुधार है। सीखना कैसा बता रहा है, व्यवहार में होने वाला कैसा सुधार है जी, कि हम व्यवहार में, व्यवहार के अंदर क्या है, हम कोई भी काम को सीख रहे हैं, व्यवहार में अंदर हमारे अंदर क्या आएगा, सुधार तो होना ही होना। जब एक चीज़ को हम 10 बार पढ़ेंगे करेंगे तो कैसा हो गया भाई, व्यवहार में स्वतः ही हमारे अंदर सुधार आ जाएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल।